हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम सबसे पहले आपके लिए लेके आते रहें। अगर आपने भी सैमसंग का स्मार्ट टीवी लिया है और अगर आपके पास भी आईफोन है और आप अपने एयरप्ले को कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सैमसंग के टीवी से, तो वो कैसे करते हैं और आपको अगर कोई परेशानी होती है उसमें, तो आज मैं आपको अपने सैमसंग के टीवी से आपका जो एप्पल का एयरप्ले है उसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कितना ईजी है, कितना टाइम इसमें लगता है। वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप प्लीज एप्पल के एयरप्ले को अपने स्मार्ट टीवी से कनेक्ट करके दिखाएं। तो ये जो प्रोसेस है ये ना सिर्फ सैमसंग के टीवी पे एप्लीकेबल है, ये जितने भी स्मार्ट टीवी होते हैं प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो ज्यादा समय ना लेते हो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको अपने सैमसंग के स्मार्ट टीवी के जो होम का ऑप्शन है, स्मार्ट हब का ऑप्शन है, उसको प्रेस करना है। यहाँ पे आप देखेंगे होम का एक आइकन बना हुआ है, आपको इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपके सामने ये नीचे मेन्यूज आ जाएंगे। इन मेन्यूज पे आपको थोड़ा सा लेफ्ट स्क्रॉल करना है। आप देखेंगे जैसे जैसे मैं लेफ्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे आपको सोर्स का ऑप्शन मिलेगा। इस सोर्स के ऑप्शन को आपको ऊपर की तरफ जाकर कनेक्शन गाइड पे क्लिक करना है। तो जब आप कनेक्शन गाइड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखा देगा। यहाँ से हमें नंबर थर्ड का जो ऑप्शन है स्मार्टफोन का, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी नंबर थर्ड पे एप्पल एयरप्ले का ऑप्शन है, तो हम एप्पल एयरप्ले के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे बोल रहा है कि आपको अपना जो आपका घर का जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड है, आपको अपना टीवी और अपना जो एप्पल का एयरफोन है, आपका जो आईफोन है, उसको सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो मेरा जो एप्पल का आईफोन है और जो मेरा टीवी का नेटवर्क है बिल्कुल सेम है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे फोन पे क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने जो आईफोन है उसकी सेटिंग्स पर जाना है। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो फोन हो और आपका जो टीवी हो वो सेम नेटवर्क से कनेक्टेड हो, चाहे वो वाईफाई का नेटवर्क हो चाहे वो आपका मोबाइल का नेटवर्क हो। अब जैसे ही आप इस पे जाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लूटूथ का, आपको अपना ब्लूटूथ ऑन करना है। जैसे ही मैं अपना ब्लूटूथ ऑन करूंगा आप देखेंगे कि इसने मेरे सैमसंग का जो मेरा टीवी है उसको सर्च कर लिया है। अभी ये नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि जो मेरा आईफोन है और जो सामने मेरा टीवी, अगर आपको मैं वहां पे भी दिखाऊं एक बार ही, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेयरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं पेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और साथ ही साथ टीवी के अंदर मैं अलाउ पे क्लिक करूंगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्टेड दिखा रहे हैं, यानी कि मेरा जो आईफोन है वो मेरे स्मार्ट टीवी से कनेक्ट हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरा जो फोन पर यूट्यूब चल रहा है वही सेम जो चैनल है वो मेरे टीवी पे चल रहा है, यानी कि मेरे जो फोन है वो मेरे स्मार्ट टीवी से कास्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फॉरवर्ड करता हूँ तो आप देखेंगे वहां सामने स्क्रीन के अंदर भी चीजें फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो यानी कि ये आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे टीवी से ये जो स्मार्टफोन है वो पेयर हो गया है। तो अभी मैं आपको नेटफ्लिक्स भी चला के दिखा रहा हूँ अपने आईफोन को अपने टीवी से पेयर करके। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे नेटफ्लिक्स के अंदर भी यहाँ पे पेयरिंग का जो ऑप्शन है वो ऑन है। आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि जब आप इसको पेयर करेंगे अपने स्मार्ट टीवी से तो आपका जो आईफोन के अंदर कंटेंट होगा वो प्ले नहीं होगा, सीधा आपके टीवी पे प्ले होगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं जैसे हम नॉर्मल एंड्रॉइड फोन के अंदर स्क्रीन को कास्ट करके दोनों स्क्रीन साथ में चलती है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर ये होता है कि आपका यहाँ पे पेयरिंग का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और जो भी कंटेंट इसके अंदर होगा वो आपका सीधा स्मार्ट टीवी पे प्ले होगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को, अपने एप्पल के आईफोन को अपने टीवी से कास्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कास्टिंग को लेकर कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर भी हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।